आइए चल के कुछ डिटेल्स देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स है मैनेजर लेवल के। मैनेजर लेवल के होता है 12, 15, 18, ठीक है। जब आप 12, 15, 18 लेवल पे होते हैं तो आपको एज एन एवरेज इनकम बता रहा हूँ, इनकम इससे ज्यादा है बेसिकली, जो आपको ओवरऑल बेनिफिट मिल रहे होते हैं इससे ज्यादा होते हैं, लेकिन आपका एज एन एवरेज जो है वो नेटवर्क की इनकम दिखाने, ठीक है जी। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डिले आ रहा है, ये देखिएगा जी। अगर आप देख सकते हैं, हम एक मैनेजर टीम की बात करते हैं तो मैनेजर टीम के अंदर हम बात करते हैं तो वो 2,63,088 रुपए, यानी कि 2,63,088 रुपीज पर मंथ की एवरेज होती है, अर्निंग होती है एक मैनेजर, ठीक है। और जब हम मैनेजर की बबात करते हैं तो उसकी डाउनलाइन में 1, 3%, 6%, 9% वाले भी लोग आ सकते हैं। तो 12 से 18 जो मैनेजर लीग है उसकी जो एवरेज इनकम है वो होती है मंथली, तो मंथली, और इसको मल्टीप्लाई 12 से कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। और ये फिगर ज्यादा भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिगर चेंज भी हो सकती है। साथ साथ जो उनसे परफॉर्मेंस डिस्काउंट आपकी जो उनसी है वो अलग होती है, वो भी आप अर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो उनसे आपकी जो ग्रुप सेल होती है उसके ऊपर भी आप 21% कमीशन अर्न कर सकते हैं अगर आप सीनियर मैनेजर भी बन जाते हैं। साथ साथ आप मैनेजर सेमिनार को क्वालिफाई कर सकते हैं, जो आपको बता रहे हैं इंटरनेशनल लेवल का एक लोकल इवेंट है, ठीक है। फिर रिकग्निशन मिलती है, टाइटल मिलते हैं, ट्रॉफी मिलती है मैनेजर सेमिनार को क्वालिफाई करते हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मैनेजर लेवल पे मिल रहे होते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे मैनेजर सेमिनार की कुछ फोटोज हैं, अगर आपने हमारे लोकल मैनेजर सेमिनार को देखना है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं मैनेजर सेमिनार पाकिस्तान और ईयर डाल के आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का। पहले हम इतने ज्यादा डिजिटल नहीं थे, इतनी ज्यादा वीडियोज नहीं बनाते थे, लेकिन लास्ट 2 इवेंट्स उनकी वीडियोज भी मौजूद हैं, और इवन के इस साल जो हमने इवेंट किया था उसका हमारे पास जो है वो YouTube पे लाइव इवेंट उसकी भी रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास चीजें मौजूद हैं। ये देखिएगा, दिस इज समथिंग लाइक जो यहाँ पे भी चल रहा होता है हमारे पास, दुनिया में हर जगह पे मनाए जाते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं डायरेक्टर टाइटल की, डायरेक्टर टाइटल आपके सर्टिफाइड डायरेक्टर टाइटल, तो उसमें एवरेज इनकम पर मंथ की 5,29,200 रुपए होती है, और ये फिगर वंस अगेन वेरी करती है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी कैश अवार्ड ऐड हो जाते हैं, 1,00,000 से लेकर 4,00,000 तक के कैश अवार्ड ऐड हो जाते हैं। मतलब ये 1,00,000 का, 2,00,000 का, 3,00,000 का और 4,00,000, ठीक है। तो ये टोटल बनता है 10,00,000 रुपया। कैसे देखें, 1,00,000 और 2,00,000 हो गए 3,00,000, और फिर 3,00,000, 6,00,000 और 4,00,000, 10,00,000 रुपए तक के कैश अवार्ड ऐड हो जाते हैं, ठीक है। देयर आर मल्टीपल अदर बेनिफिट जो आपको मिलते हैं। साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ पॉसिबिलिटी टू क्वालिफाई फॉर बोनस। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप सफायर बनते हैं और आपकी डाउनलाइन में कोई गोल्ड आ जाता है तो 100% आपके पास जोन से है वो बोनसेस आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो बोनस तो आपको फर्स्ट लाइन से मिलना शुरू हो जाता है स्प्लिट, तो आप 100% बोनस को क्वालिफाई करेंगे। लेकिन बोनसेस की टाइप है, लाइक डायरेक्टर बोनस है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है गोल्ड बोनस, फिर सफायर बोनस, फिर डायमंड बोनस, ये सारे बोनसेस जोन से आपके आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। और बोनसेस आपको बताता चलूं कि कमीशन से बहुत ज्यादा होते हैं, कमीशन की ना एक लिमिट हो जाती है, लाइक 21% बोनसेस होते हैं अमाउंट के ऊपर, अमाउंट जितनी ज्यादा हो रही है उतने ज्यादा आपको जो उनसे बोनस मिलते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स कमीशन का भी वेरी करता है अमाउंट से, लेकिन बोनस की अमाउंट ज्यादा होती है। जो मैंने विटनेस किया हुआ है हमारे पास पाकिस्तान में 3-3, 4-4 लाख जो है वो बोनस खाली बन रहा होता है, सफायर का भी बनता है इतना, सफायर बोनस होता है 0.25 पॉइंट, हाँ जी बिल्कुल इतना ही। तो आप देखें वो कितना 0.25% कितना परसेंटेज, 0.25% कितनी थोड़ी परसेंट है, लेकिन 2-2, 4-4 लाख रुपए बन रहा होता है। फिर मैनेजर सेमिनार गोल्ड, हमारे पास जो ग्लोबल गोल्ड कॉन्फ्रेंस है उसको भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये टाइटल और ये लीग में जब आप आएंगे तो आप इनको क्वालिफाई कर देंगे इंटरनेशनल ट्रिप्स बहुत सारे। तो दैट इज समथिंग जो कि बड़ी अमेजिंग है। अगर हम बात करते हैं आपको जब इंटरनेशनल पे रिकग्नाइज किया जाता है लेवल के ऊपर तो उसकी फीलिंग ही डिफरेंट होती है। ये देखिएगा, ये हमारी गोल्ड कॉन्फ्रेंस की फोटो है, अगर आप देख सकते हैं, लुक एट ये फोटो के अंदर ये जो स्क्रीन और ये नजर आ रही है कोई एडिटेड नहीं है, ये असल में स्टेज ऐसा ही है, यानी कि ऐसा नहीं है कि फोटोएं लगाई हुई है साइडों पर, ये स्टेज की फोटो है। इस तरह की स्टेज होती है, लुक एट द स्क्रीन, ये कितनी बड़ी स्क्रीन है, किस तरह की एलईडीज है, वो देखिए लोगों के नाम चल रहे हैं, इमेजिन कि आप यहाँ पे मौजूद हैं आपको कैसा महसूस होगा। वीआईपी ट्रीटमेंट है, वीआईपी सीट्स है सारा, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। ये इवेंट आप लोगों के लिए होता है, और ये इसी तरह स्टेज पे लोगों को बारी बारी बुला कर रिकग्नाइज किया जाता है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना लोग बैठे हुए, ये सिर्फ ओरिफ्लेम के लोग हैं, और इसमें बहुत सारे लोगों की फैमिलीज भी इन्वॉल्व है,
वो भी साथ जा रही होती है, जिनको जिन्होंने फ्री टिकट सेंड की होती है उनको भी साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये ओरिफ्लेम के लोग होते हैं। फिर हमारे पास इसके डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, जब आप गोल्ड कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं तो आपको टूर्स मिलते हैं, आपको रिकग्नाइज किया जाता है रोड्स के ऊपर भी, आपको स्पेशल फील करवाया जाता है एक वे के अंदर। ठीक है, तो दीज आर सम मोमेंट्स जो कि हमारी गोल्ड कॉन्फ्रेंसेस की। अगर हम डायमंड अबव की बात करते हैं तो डायमंड अबव इज समथिंग जो कि जिसमें आपकी मंथली एवरेज इनकम 7 लाख रुपए हो जाती है। अगर आप अपने ग्रुप की बात करते हैं, सिर्फ अपने पीजी की बात कर रहे होते हैं, अपने मैनेजर्स की ग्रुप की बात कर रहे होते हैं बेसिकली, तो वो आपके अब आप मल्टीप्लाई कर लें उसको 12 के साथ, तो आप उस लिहाज से रोन से आप अपनी इनकम अर्न कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कैश अवार्ड की, तो उसमें अब 6 लाख रुपए से लेकर 10 लाख के कैश अवार्ड भी हो जाते हैं। पहले हमने काउंट किए थे 10 लाख के कैश अवार्ड, अब उसके अंदर आप 6 लाख का ऐड करें कितने हो गए, 16 लाख, फिर आप इसमें 8 लाख का ऐड करें 24 लाख, फिर आप इसमें 10 लाख का ऐड करें 34 लाख के कैश अवार्ड इसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये टोटल कैश अवार्ड आपके इतने बन जाते हैं। फिर आप बोनसेस को ऑफकोर्स क्वालिफाई करते हैं, मैनेजर सेमिनार को क्वालिफाई कर जाते हैं आप गोल्ड कॉन्फ्रेंस के साथ साथ डायमंड कॉन्फ्रेंस को भी क्वालिफाई कर जाते हैं और आपको और बेहतर जगह पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। लाइक ये 2019 की हमारी सिडनी की जो लास्ट पेंडेमिक से पहले हुआ था डायमंड कॉन्फ्रेंस, उसकी फोटोज एंड लुक एट दिस स्टेज नाउ। ये एक डिफरेंट ही टाइप का एक्सपीरियंस है इस स्टेज के ऊपर भी जब आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। आप LEDs देखें कैसे साइड पे लगी है, वंस अगेन ये फोटो एडिट नहीं हुई, ये ओरिजिनल फोटो है। ठीक है, आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, अगर आप इनको पहचानती हैं, ये जो खड़े हुए ये ग्रुप सी हुए हैं, साथ उनके जो उनसे हैं वो अलेक्जेंडर, अगर मुझे कंप्लीट फोटो इस टाइम नहीं नजर आ रही, और ये अच्छा ये जॉकनिक ब्रदर्स हैं, ये एक भाई हैं जिन्होंने वो बनाया था ओरिफ्लेम, जिन्होंने बुनियाद रखी थी ओरिफ्लेम की। ठीक है, तो वो मौजूद हैं साथ इनके, तो आप थोड़ा दोबारा दिखा दो स्क्रीन, थोड़ी सी मेरे पास स्टक हो रही थी। ये देखिएगा, फिर हमारे पास ये, अगर आप एक वेन्यू की बात करते हैं, अगर आप देखें इस फोटो में वो दूर एक ओरिफ्लेम लिखा हुआ है। अब ये सिडनी के अंदर एक एक ऐसा एरिया है जो कि बड़ा फेमस है, जो कि टूरिस्ट के लिए होता है। ये पूरा का पूरा एरिया ओरिफ्लेम के लोगों के लिए रिजर्व कर दिया गया था। जस्ट थिंक अबाउट इट के हाउ डू यू फील, कि फिर आपके लिए पूरा का पूरा आप समझ लेंगे एरिया बुक हो गया आपके लिए, एंड यू कैन एंजॉय एनीथिंग देयर ना। आप कोई आपने राइड लेनी है, आपने कुछ खाना है, एनीथिंग। तो दैट वाज रिजर्व फॉर ओरिफ्लेम कॉन्फ्रेंस के लिए, जो हमारे डायमंड की कॉन्फ्रेंस है। और आपको दुनिया की बेहतरीन लोकेशंस दिखाई जाती है। ये ब्रिज आपने कई दफा हो सकता है टीवी में देखा हो, लेकिन हमारे बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो उसको विटनेस कर चुके हैं, यहाँ पे जा चुके हैं, 5 स्टार होटल्स को एंजॉय कर चुके हैं, लग्जरीज देख चुके हैं दुनिया की। एंड लेकिन लाइफ इज एक्सपीरियंस, जिंदगी एक एक्सपीरियंस है, उसमें जितनी ज्यादा देख लेंगे वो ज्यादा एक मोमेंट्स होंगे। आप अपने बच्चों को भी बता सकेंगे, बुढ़ापे में भी बता सकते हैं कि जी मैंने ये काम किए हैं। तो नाउ दैट इज समथिंग जो एक मेमोरी बन जाती है। इट्स ऑल अबाउट यू नो क्रिएटिंग मोमेंट्स। फिर अगर हम बात करते हैं इससे भी ज्यादा हाई लेवल की, वो एक जी एग्जैक्टिव लेवल। एग्जैक्टिव लेवल पे मैं इसको इस तरह डिफाइन करता हूँ कि एग्जैक्टिव लेवल पे जाके आप अमीर होने की तरफ, जो है ना प्रॉपर अमीर होने की तरफ जो उनसे वो आपका सफर शुरू हो जाता है। ठीक है, बाकी सारे जो है ये 2-4 लाख 5 लाख महीने की इनकम में, आजकल खर्चे इतने के 2-4-5 लाख इनकम महीने की लोग गुजारे कर रहे होते हैं। आप अपग्रेड करते हैं लाइफ को, 2-4 चीजें आप लेते हैं, 2-4-5 लाख रुपए का पता भी नहीं चलता कि महीने का कितने गया। और अगर आपने अमीर होने की तरफ जाना है तो नाउ दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइटल जहां से अमीर होना स्टार्ट होता है। अमीर बंदा क्या होता है, और वो नूवो रिशिक टर्म यूज करते हैं, बहुत ज्यादा अमीर होना है। जो अमीर होना होता है ना, दैट इज समथिंग कि जब आपको, जो सबसे पहले बताते हैं पुअर कौन होता है। पुअर वो होता है कैटेगरी वाइज, ये दिस इज अ स्कूल ऑफ थॉट जो मैं आपको बता रहा हूँ। पुअर वो शख्स होता है जिसकी इनकम जो उनसी है वो मिड मंथ में, या जो उनसे 10 तारीख को 12 तारीख को उसकी जो उनसी है तनख्वाह खत्म हो जाती है, इनकम खत्म हो जाती है, खर्चे ज्यादा होते हैं, समझ नहीं आती क्या करें, इधर उधर से उधार पकड़ना पड़ता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात खराब होने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग अपने हालात के खुद जिम्मेदार भी होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन तो ऑफकोर्स होता है लोगों का। तो पुअर होना जो उनसा, दैट इज समथिंग कि आपकी तनख्वाह अगर आ रही है तो वो 10 तारीख को खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर होता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में दो कैटेगरीज आ जाती है, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास वो होती है जिसकी तनख्वाह आप समझ लें कि 25 तारीख तक चली जाती है,
लो जी 25 तारीख तक चली गई, अब आखिरी 4-5 दिन थोड़े मुश्किल से जो उनसे हैं वो गुजर रहे हैं। ऐसे लोगों को एज पर स्कूल ऑफ थॉट वो कहते हैं कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। जो अपर मिडिल क्लास होती है वो अपनी तनख्वाह चला रही होती है जी, पूरा महीना सुकून से उनका गुजरता है, खुल के खर्चा चल रहा होता है उनका, और कुछ 4-5-6 चीजें एक्स्ट्रा भी कर रहे होते हैं, और थोड़े से पैसे भी शायद कभी कभी बच जाते हैं, थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाती है, ऐसे अपर मिडिल क्लास। फिर वो लोग जो अमीर होते हैं, अमीर लोग वो होते हैं जो कि जिनकी इनकम इतनी होती है, यहाँ से बहुत बड़ा जंप है अमीर होने में। अमीर होने की भी कैटेगरीज, रिच होने की एक कैटेगरी होती है कि आपका महीने का खर्चा पूरा हो जाता है, इनकम आ रही है और आपके पास हिसाब किताब ही नहीं है, बस आपके पास पैसे जमा हो ही जा रहे हैं, खर्च आप उतने कर नहीं सक रहे, ठीक है, इसे अमीर होना कहते हैं। लेकिन एक्चुअल अमीर होना ये होता है कि आपको पता ही ना आपके पास कितने पैसे, आप जो एक्चुअल अमीर लोग हैं वो एक्चुअली अपने पैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, दिस इज ट्रू। उनको अगर उन्होंने अपने पैसे और अपनी इनकम और अपना सारा एसेट्स को कैलकुलेट करना हो तो उनको लोग चाहिए वो कैलकुलेट करने के लिए, वो अपने एसेट्स को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इसे कहते हैं नूवो रिच होना, यानी कि बहुत ज्यादा अमीर हो जाना, ठीक है। तो बताने का मकसद ये कि आपका जो अमीरी का सफर है वो इस टाइटल से शुरू हो जाता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो नो डाउट कि अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो हमारे जो लीडर्स हैं उनके पास चार्टर्ड प्लेन्स भी हैं, उनके पास अपने आप समझ लेंगे क्रूज शिप्स भी हैं, ये लॉन्जेस जिनको कहते हैं ये भी है उनके पास जी, ठीक है। तो यू नो आप यहाँ से अच्छा हो सकता, तो यहाँ पे लिखा हुआ 53,28,250 रुपीज पर मंथ की इनकम है। फिर कैश अवार्ड के अंदर हमने 36 लाख के ऐड किए हैं, अब 36 के बाद 24 लाख से आप ऐड करने शुरू कर दें फिर कैश अवार्ड, और 42 लाख तक ऐड करें तो ये आपका तकरीबन करोड़ से ऊपर बन जाते हैं खाली कैश अवार्ड आपके, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ तक के कैश अवार्ड बन जाएंगे आपके टोटल मिला। फिर बोनसेस ऑफ कोर्स आपको मिल रहे होंगे, मैनेजर सेमिनार आप क्वालिफाई कर जाएंगे, गोल्ड कॉन्फ्रेंस, डायमंड कॉन्फ्रेंस के साथ आप एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस को भी क्वालिफाई कर जाएंगे, और इन सारे के सारे सफर में आपको हर टाइटल पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ टीम। ये देखिएगा, नाउ दीज आर एग्जीक्यूटिव ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस जिसके अंदर आप अकेले नहीं अपनी फैमिलीज के साथ आप ट्रेवल कर सकते हैं, फिर क्योंकि यू अफोर्ड दैट, और इसके साथ साथ आपको टिकट्स भी मिल रही होती है गोल्ड के ऊपर डायमंड के ऊपर जाके, फिर आपको दो दो टिकटें मिल रही होती है, ठीक है, आप साथ लेके जा सकते, फैमिली को भी लेके जा सकते, डिस्काउंट्स मिल रही होती है। तो ये वो चीजें हैं। अब ये देखिएगा, आई नो कि थोड़े से लोग कम हो जाते हैं जैसे जैसे आप हाई लेवल पे जाते हैं, लेकिन वी कैन डू इट। अगर लेट्स से पाकिस्तान में हमारे पास एक भी नहीं, हम 2-4-5-6 एग्जीक्यूटिव तो बना सकते हैं ना, और हमारे पास क्लोज तो है ना एग्जीक्यूटिव के लोग, ठीक है। तो ये एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूँ आप इस फोटो को जरा गौर से देखें, और ये मैग्नस हैं जो बैठे हुए हैं और वो डिस्कस कर रहे हैं हमारे ग्लोबल लीडर्स के साथ। जरा देखिएगा उनके चेहरे पे, ये जो लीडर्स हैं ये बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे पे कितना सुकून है, दे आर सो कॉन्फिडेंट, दे आर सो काम, क्योंकि उनका अपना बिजनेस है और वो अच्छे तरीके से डील कर, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज आप उनकी देखिएगा कितना उनका जो उनका फेस के ऊपर काम है। फिर अगर हम बात करते हैं वो फैमिलीज के साथ रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं आप, दीज आर सम फोटोज, देयर आर मल्टीपल फोटोज ऑल्सो, और ओरिफ्लेम का एक फिर आपको पता है एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस है जो कि आपको मिलता है जब इस लेवल पे आप चले जाते हैं, आपको वर्ल्ड क्लास वेन्यूज, आप समझ लेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड टाइप जो उनसी चीजें हैं वो आपको दिखाने देखने को मिलती हैं डिपेंडिंग कहाँ पे हैं। और अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट टाइटल पे अगर आप पहुंच जाते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आपको प्रेसिडेंट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, शायद प्रेसिडेंट्स को भी इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता जिस तरीके से आपको ट्रीट किया जाएगा। ये जो इनकम पर मंथ की आपको नजर आ रही है, ये लिखा हुआ है जी 1,85,62,335 रुपीज पर मंथ की है, और यहाँ से आप अमीर हो जाते हैं। यहाँ पे आपको जाके अपने पैसे कैलकुलेट करना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, और बेनिफिट्स कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर आप 1-2 साल प्रेसिडेंट लेवल पर रह जाते हैं तो फिर तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये वो टाइटल है जो कि अगर आप पाकिस्तान में अभी तक किसी ने अचीव नहीं किया, आप इसको टारगेट करें, आसान नहीं है लेकिन किया जा सकता है। तो हम मेल की कोशिश कर सकते हैं, अगर हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कि इसके लिए ट्राई करना चाहते हैं तो हम सब आपके साथ हैं, आप ट्राई करें इस चीज के लिए, आपको सपोर्ट मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे 10 करोड़ तक के कैश अवार्ड आते हैं यहाँ पे, 10 करोड़ तक के, और ये मजे की बात है 10 करोड़ जो उनसे है ये यहाँ पे 2 करोड़ लिखा हुआ है वैसे, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारा हाईएस्ट कैश अवार्ड $1 million का है जो कि 15 करोड़ रुपया बनता है। मैंने इसलिए आपको बताया यहाँ पे भी थोड़े कम पैसे भी लिखे हुए हैं।
अब बोनसेस ऑफ कोर्स क्वालिफाई कर जाते हैं, साथ आप डायमंड कॉन्फ्रेंस, गोल्ड कॉन्फ्रेंस, एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस और उसके साथ साथ फिर एक्सक्लूसिवली एक एक्सपीरियंस आप विन करते हैं रिकग्निशन का, डायमंड का, जिसमें आपको जो उनसे डायमंड के बाद जो उनसे आपको एक तो एक्सक्लूसिव आपको एक्सपीरियंसेस मिल रहे होते हैं। प्रेजिडेंट में आपको मैंने बताया आपको एज अ प्रेजिडेंट ही ट्रीट किया जाता है। ये देखिए कुछ फोटोज है हमारे प्रेजिडेंट्स की जो उनसे ग्लोबल लेवल के ऊपर है। देयर आर वंस अगेन मल्टीपल प्रेजिडेंट्स, आप भी बन सकते हैं। तो ये आप एक अपना एक्सपीरियंस जोन सा वो जोन सा अपना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। देखिएगा कि किस तरीके से डिनर चल रहा है ये, अगर आप फोटो को और से देखें जरा लुक एट द हॉल के, ये हॉल कैसा है जहाँ पे इनका डिनर किया जा रहा है, और देखिएगा उनके सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए ये कहाँ पे खड़े होके दो तीन लोग जो उनसे हैं वो ड्रम बजा रहे हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए इनको एक्सक्लूसिवली जो उनसे होता है वो ट्रीट और खाने पे ट्रीट किया जाता है, टेबल पे सर्व किया जाता है, ऑप्शन है यानी कि यू गेट फुल फ्रीडम। तो ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो कि आई वुड सजेस्ट कि आप सबको लेना चाहिए, एंड यू कैन गेट इट डन, आप कर सकते हैं।